दक्षिण भारत के केरल में मची भारी तबाही के बाद इलाहाबाद में एनसीआर रेलवे ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 6.5 करोड़ की आर्थिक सहायता पेश की है। बताया जा रहा है कि इस आर्थिक सहायता में एनसीआर रेलवे के प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों ने अपने वेतन से पैसे देकर पीड़ितों की आर्थिक मदद की है। सीपीआरओ की माने तो सभी कर्मचारियों ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पीड़ितों को दिया है। केरला की जो बाढ़ है वो कम से कम केरल के राज्य के लिए और मैं तो कहूँगा पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है और बहुत इसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसको सिर्फ जो राजस्व आता है उससे उसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है शायद। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उसके लिए हम लोगों ने उत्तर मध्य रेलवे में ये अपील हुई थी सभी कर्मचारियों से, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, कि जिनको ठीक लगे वो स्वेच्छा से यदि चाहें तो अपनी एक दिन की सैलरी, अपना एक दिन का वेतन वो कटवा सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा सीधे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे 65,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जिसमें सिर्फ 700 अधिकारी हैं तो बाकी सब कर्मचारी ही हैं, उनमें से 60,000 से अधिक ने, जो कि 92.5% होता है, इतने लोगों ने स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन केरल के राज्य के लिए दान किया है। और ये पूरा अमाउंट अगर हम जोड़ें तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए उत्तर मध्य रेलवे के कर्मचारियों की तरफ से केरला के अपने भाइयों के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर जो असल में जो रिलीफ का काम है, असली रिलीफ का काम, वो तो बाढ़ का पानी उतरने के बाद शुरू होता है, तो इस वक्त उनको ज़्यादा आवश्यकता है। आपको बता दें कि केरल में आई बाढ़ के बाद कई परिवार बेघर हो गए और कई लोगों की इस आपदा में मौत भी हुई है, जिसके बाद से ही देश भर के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को अपनी तरफ से लगातार मदद दी है। इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट।